लोहे दी रार च बरूद भरदे समय वापरिया हादसा। दस दिए कि एक वड्डा धमाका होया है, जिस दे विच दो बच्चे गंभीर रूप दे नाल जख्मी हो गए ने। मिली जानकारी अनुसार बच्चे पटाके चलाउण लई एक लोहे दी रार दे विच बरूद भर रहे सी, तां इसी दौरान एक धमाका हो जाता है, जिस दे विच इन्हां बच्चों के गंभीर सट्टां भी लगदियां ने। तां पूरा मामला फगवाड़ा तो सामने आया, जिथे दिवाली मौके एक पटाका आम चलाया जाता है, जिस दे विच इक लोहे दी रार दे विच बरूद भरिया जाता है, जिस तों बाद इस दे विच धमाका हुंदा है। पर इसी दौरान जब बच्चे यह बरूद भर रहे सी, उसी समय इस दे विच धमाका हो गया ते बच्चे कोल ही खड़े सी, जो कि गंभीर रूप दे नाल जख्मी हो जाते हैं, जिन्हां नूं के नज़दीकी हस्पताल दे विच लिजाया जाता है, जिथे कि उन्हां दा हुण इलाज किया जा रहा। परिवारक मैंबरां ने दस्सिया कि बच्चे कल तो ही छत ते पटाके चला रहे सी, तां परिवार दे मना करन ते बावजूद भी वह नहीं हट रहे सी। तां जिवें इह धमाका होया तां पहलां तां मापिआं नूं लग्गिया कि किते पटाका ही चलिया, पर आवाज़ उसकी इन्नी उची सी कि वह मौके ते जाके जद वेखदे ने तां दोनों बच्चे खून दे नाल लथपथ पए हुंदे ने अते तड़फ रहे सी, जिस तों बाद इन्हां नूं हस्पताल दे विच भर्ती करवाया गया। तां दस दईए कि लोहे दी राड़ दे विच बरूद भर के इस पटाके नूं चलाया जांदा है, जो कि काफ़ी खतरनाक हुंदा है ते इसकी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा उची हुंदी है, जिस करके इस नूं चलाया जांदा है। पर बच्चों नूं इस पटाके तो दूर रखना चाहिए। तो इसी नूं चलाउंदे समय वड्डा हादसा होया, जिस दे विच दोनों बच्चे गंभीर रूप दे नाल जख्मी होए ने। पानी की होया, ये तो सुते पे सीगे, ये जो बंब वज्जा बाहर, मैं बड़ा ध्यान नहीं दिता, बच्चे जो बाहर गली रौला पिया, तो देखा कि आ बंब बच गया, मुड़े ये चक न्याणे लैके धरते फिरते सीगे, मतलब पटास जी हाथ बजाने वाली होंगी आ पाट गई। किन्ने जख्मी होए? दो मिनट जख्मी हुए ने। कितने दे रहने वाले है? ये न्यू शाम नगर है जी। पता लग जाता ना मौके, नाम की है? नाम नहीं हल्ले पता जी। नहीं जिहड़ी नगर दे ने पटास जिहड़ी पाइप च पा के चलांदे आ। हां जी हां जी, जिहड़ी ओह चलाई उहना इदां ही घटना कितना वापर गई, मतलब ज्यादा ला लिया, ज्यादा बरूद भर लिया, उहने तो मारिया इहनां ने, ओह पाट गया। अच्छा, किन्ने बच्चे सी इह? दो बच्चे सी जी। ते किन्नी की उम्र दे लगदे आ इह? 10-12 साल दे। की लगता ब्रदर, कंडीशन की लगी? कंडीशन लत्तां आ जी, ते इक थले मेन पार्ट आ ਉਹਦੇ ਫੈਕਚਰ ਹੋਇਆ ਆ, ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਅੱਖਾਂ ਆ, ਆਹ ਹੱਥ ਦੋਨੇ ਹੀ ਫੈਕਚਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬਲਾਉੜੀਆਂ ਆ। ਬੱਚੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ? ਹਮ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪੇ ਹੀ ਥੇ, ਹਮੇ ਇੱਕਦਮ ਪਟਾਕੇ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਪਟਾਕੇ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਥੀ, ਹਮੇ ਲਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਚੇ ਵੈਸੇ ਪਟਾਕੇ ਫੋੜ ਰਹੇ ਆ, ਮਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵੀ ਗਏ ਥੇ ਉਧਰ ਬੁਲਾਣੇ ਕੇ ਲਈ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਕੇ ਘਰ ਪੇ, ਜਬ ਪਤਾ ਪੜੇ ਕਿ ਇਧਰ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। कितने बच्चे जख्मी हुए? दो बच्चे जख्मी हुए। दोनों अकेले ही थे? दोनों बच्चे अकेले ही थे। क्या किस चीज से जख्मी हुए लगते हैं, बड़ा कुछ लगा? पटाके थे बच्चों के पास में, बस इतना हमें मालूम है। और कल के ही पटाके बजा रहे हैं? वो बच्चे कल से पटाके बजा रहे हैं, कल से हम उन बच्चों को काफी मना के, मतलब बच्चों ने सुनी करते सीगे पटाके ना बजाओ, बस इधर पटाके बजा रहे हैं। शाम नगर तो एक सानू फोन कॉल रिसीव हुई थी कि दो बच्चे छत पर बैठे से पटाके चला रहे थे, तो वो जख्मी हो गए। जो अभी मौके पर पहुंचे हैं तो देखा है कि इतने शायद जी पटाश पटाके चला रहे थे, वो ये ब्लास्ट हो गए तो जख्मी हो गए। की लगता कंडीशन बच्चों की? कोई गलबात उन्होंने पेरेंट्स ना असं राबता कायम कर रहे हैं, सिविल हॉस्पिटल यहाँ लेके गए हुए, उत्तर जाके फिर असं अगला जो इन्होंने नाम क्लीयर हुए जी? नाम एक लड़के का नाम आशीष है, तो एक नाम गुलशन है। कि आप मौके पर खड़े हैं उपर छत, तो की लगता मौका देख के तुम? तो ये लग रहा भी इतने जिदा कुंडी एक मिले, कुंडा तो मुंगली वगैरह मिली है, इन्हें कुट रहा लग रहा है उस एस एच ओ साहब। जिदा हम मौके जिदा त्यौहार शुरू हो गया दिवाली दे, की मैसेज देना चाहते हैं जो दो बच्चे जख्मी होया, की कहना चाहते हैं दुकानदारों को भी, की कहना चाहते, पब्लिक भी की कहना चाहते हैं? दुकानदारों ये मैसेज है कि जिथे तो जो भी ये पटाश वगैरह वेच रहे हैं इसनों ना वेचन, इस काफ़ी नुकसान हो रहे हैं। अजक जो बच्चे है ये जिहड़ियां पटाश वालियाँ इस तरह दी बना के यूज़ कर रहे हैं पटाखे चलाने, जो बिल्कुल इलीगल आ, तो असं इन दे खिलाफ एक्शन लिया जाऊंगे। जे कोई सामने आए जो बच्चे ने कोई पटाश खरीदी आ, उन्होंने भी कोई कार्रवाई की? वेरीफाई करके अभी बिल्कुल उन्होंने भी कार्रवाई करेंगे।